लोहरदगा जिले के दो प्रखंड किसको और पेशारार में पहले चरण को लेकर हुए पंचायत चुनाव के बाद मंगलवार को कृषि बाजार समिति परिसर स्थित मतगणना केंद्र में मतगणना कार्य समय सीमा पर प्रारंभ हो गई है। इस मतगणना में दोनों प्रखंडों के कुल 171 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। पेशरार प्रखंड के लिए 17 और किसको प्रखंड के लिए 15 टेबल में 4 राउंड में मतगणना संपन्न होगी। किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य चल रहा है? स्टैटिक फोर्स टेस्ट किया हुआ है, चुनाव इलेक्शंस काउंटिंग के लिए स्टैटिक फोर्स और सेंट्री पोस्ट क्रिएट किया हुआ, उधर भी फोर्सेस हैं और उसके बाद ड्रोन्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। बैरिकेडिंग का पूरा स्ट्रक्चर से एक्सेस कंट्रोल करने में पूरा फ्रिस्किंग करने के बाद अंदर हम देखो। सर, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आपने सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न करा लिया है, शेष प्रखंडों को लेकर क्या रणनीति है? सर, शेष जो ब्लॉक बचे हुए हैं वहाँ पे इलेक्शन को लेकर क्या कुछ प्लानिंग? हाँ, उसका भी ऐसे ही होगा, हमारा पहले ही सेंसिटिविटी एनालिसिस हो गया है, उसके हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट वगैरह कहाँ कहाँ स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स है उसके हिसाब से। थैंक यू। तैयारी की गई है, और कितने टेबल लगाए गए हैं सर? देखिए, मतगणना को लेकर के तैयारियाँ पूरी है और किसको और पेशरार में जो मतलब अलग अलग नंबर के टेबल इसलिए क्योंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो पैमाना आया था उसके हिसाब से दोनों जगह अलग अलग टेबल है, एक जगह 15 और एक जगह 17 हैं, और पूरे प्रोसेस की जो है CCTV और वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी की जा रही है। सर, जो उम्मीदवार आ रहे हैं या फिर उनका जो समर्थक आ रहे हैं, उन लोगों से क्या अपील करेंगे सर? मेरी अपील यही है कि शांति से जो है वो इस प्रक्रिया को संपन्न कराने में सहयोग किया जाए, और कैंडिडेट्स के एजेंट्स का काम ये है कि वो देखें कि मतलब काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो आरओ के जो है वो आरओ से उस आरओ के संज्ञान में लाया जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर सहयोग मिलेगा तो हम जल्दी से जल्दी ये काउंटिंग का काम संपन्न करा पाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।